दोस्तों आजकल ये शेक इफेक्ट रील इंस्टाग्राम पर वायरल हुई है। अगर आपको भी अपनी फ़ोटो से ऐसा वीडियो बनाना है तो कैसे बनाएंगे, आज की इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं। तो आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, चलते हैं अपनी फ़ोन स्क्रीन की तरफ और जानते हैं कैसे बनाएंगे। बट आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ कि ऐसे ही शेक इफेक्ट वीडियोज़ मैं अपने चैनल पर अपलोड करती रहूँगी। अगर आप चाहते हैं नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इस वीडियो को बनाने के लिए आपको ज़रूरत है वीएन ऐप की। वीएन ऐप आपको इजीली प्ले स्टोर पर मिल जाता है, आप वहां से इंस्टॉल कर लीजिएगा अगर आपके पास नहीं है तो। ओके, जब आप ओपन करते हैं तो इस तरह का इंटरफेस आपको मिलता है। आपको इस वीडियो को बनाने के लिए केवल एक फ़ोटो की ज़रूरत है, जैसा कि आपने वीडियो में नोटिस करा होगा। तो हमें फ़ोटो लेने के लिए यहाँ प्लस आइकन पर क्लिक करना है, न्यू प्रोजेक्ट पे जाकर अपनी फ़ोन लाइब्रेरी से एक फ़ोटो ले लेना है। ओके, तो मैं भी एक फ़ोटो ले लेती हूँ। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं एक फ़ोटो ये वाला ले लेती हूँ एंड यहाँ से आपको टिक कर लेना है। इस तरह से आप फ़ोटो ले लें। यहाँ पर दोस्तों आपको वीएन की डिफ़ॉल्ट क्लिप मिलेगी, आपको इसको सेलेक्ट करके डिलीट कर लेना है, क्योंकि ये वीडियो में आ जाती है तो इसको आपको पहले डिलीट कर लेना है। अब हम क्या करेंगे, इस फ़ोटो की रेशियो चेंज कर लेते हैं। रेशियो चेंज करने के लिए आपको यहाँ ड्रॉप डाउन के ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड यहाँ से 9:16 की रेशियो पे आपको डन करना है इस तरह से। ओके, अब दोस्तों हम सबसे पहले यहाँ पर म्यूज़िक ऐड करेंगे। म्यूज़िक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यानी कि आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, आपको उस पर क्लिक करके टेलीग्राम पर जाकर म्यूज़िक डाउनलोड कर लेना है। ओके, डाउनलोड करने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपको प्लस आइकन पे क्लिक करना है एंड यहाँ म्यूज़िक पे क्लिक करेंगे। जब आप म्यूज़िक डाउनलोड कर लेते हैं तो उसके बाद आपको यहाँ पर दोस्तों स्क्रॉल डाउन करना है, कहीं पर भी आपका म्यूज़िक लिस्टेड हो सकता है। तो जैसे कि यहाँ पर मेरा म्यूज़िक है तो आप यहाँ पर चूज के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। ओके, चूज के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ से डन कर लेंगे, ये हमारा म्यूज़िक ऐड हो जाता है। अब दोस्तों हमें क्या करना है, ये जो फ़ोटो है इसे हम डुप्लीकेट कर लेंगे। डुप्लीकेट करने के लिए आपको यहाँ फ़ोटो के ऊपर क्लिक करना है एंड यहाँ से डुप्लीकेट का ऑप्शन आपको मिलता है, इसको आप डुप्लीकेट कर लेंगे। ओके, अभी हमें म्यूज़िक को सुनना है एंड उसके अकॉर्डिंग फ़ोटो को ट्रिम करना है। तो म्यूज़िक मैं यहाँ पर प्ले नहीं कर सकती, बट मैं यहाँ पर ट्रिम कर लेती हूँ दोनों फ़ोटो को, देन आपको ड्यूरेशन बताती हूँ कि दोनों की ड्यूरेशन आपको क्या रखनी है। ओके, ओके, तो इस तरह से आप ट्रिम कर लेंगे। दोस्तों ट्रिम करने के लिए मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आपको स्प्लिट का ऑप्शन मिलता है। ओके, तो जब आप ट्रिम करेंगे आपको स्प्लिट करना है एंड एक्स्ट्रा पार्ट को डिलीट करना है। वैसे आप देखकर समझ गए होंगे बट मैं आपको बता दूं। एंड ड्यूरेशन आपको रखनी है फर्स्ट फोटो की 2.07 सेकेंड। ओके, एंड बाकी जो सेकेंड फ़ोटो आपका आएगा वो आपके म्यूज़िक तक आएगा 3.04 सेकेंड के लिए। ओके, तो ये ड्यूरेशन आप रखेंगे। देन आपको क्या करना है, यहाँ पर फर्स्ट फोटो पे एफएक्स यूज़ करना है। यहाँ एफएक्स का ऑप्शन आपको मिल जाता है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे एंड यहाँ फर्स्टली आप देखेंगे ब्लैक व्हाइट दो एफएक्स मिलेंगे। आपको सेकंड वाला यानी कि वाइट वाला यूज़ करना है एंड इसको फुल आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे। ओके, यहाँ पर टिक कर लेंगे एंड यहाँ पर आपका जो सेकेंड फ़ोटो है उसमें हम अगेन एफएक्स पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ से हम ये जिटर डाउन का ऑप्शन आपको मिलेगा, जिटर डाउन कर लेंगे एंड फुल कर लेंगे इसको। ओके, तो हमारा जो ये वीडियो है परफेक्ट वैसे बनेगा जैसा आपने देखा होगा। एक बार मैं प्ले करके आपको दिखा देती हूँ, म्यूज़िक में आपको सुना नहीं सकती। एंड म्यूज़िक के साथ अगर आपको वीडियो देखना है तो मैं इंस्टाग्राम पर अपलोड करती हूँ, जो भी मैं यहाँ पर वीडियो बनाती हूँ, तो आप वहाँ पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं अगर आप नोटिफिकेशन चाहते हैं तो। ओके, तो चलिए फिलहाल मैं वीडियो प्ले करती हूँ। ओके, तो इस तरह से हमारा जो वीडियो है बहुत ही आसानी से बन जाता है। कुछ नहीं करना होता, बस म्यूज़िक सिंक करना होता है, फ़ोटो को डुप्लीकेट करना होता है, ड्यूरेशन मैं आपको बता चुकी हूँ, एंड एफएक्स आपको फर्स्ट में वाइट एफएक्स लगाना है एंड सेकेंड में जिटर डाउन एफएक्स। ओके, इसलिए हमारा वीडियो
कंप्लीट हो जाता है। अब यहाँ से हमें वीडियो को सेव करना है। सेव करने के लिए आपको एक्सपोर्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ से डन कर लेंगे, वीडियो हमारा एक्सपोर्ट हो जाता है। अब दोस्तों यहाँ से सेव टू एल्बम के ऊपर क्लिक करेंगे एंड वीडियो हमारा सेव हो गया। सो कैसा लगा दोस्तों आपको ये वीडियो? अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर लें एंड अगर आप चाहते हैं इसी तरह के शेक इफेक्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।